परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम प्रेरितों 9 अध्याय में से 1 से 21 वचन तक पढ़ेंगे और उसमें से हम मनन करेंगे। शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया और उससे दमिश्क के आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह इस पंथ पर पाए उन्हें बांधकर यरूशलेम ले आए। परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। परंतु अब उठकर नगर में जा और जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। जो मनुष्य उसके साथ थे वे अवाक रह गए क्योंकि शब्द तो सुनते थे परंतु किसी को देखते न थे। तब शाऊल भूमि पर से उठा परंतु जब आंखें खोली तो उसे कुछ दिखाई न दिया और वे उसका हाथ पकड़ के दमिश्क में ले गए। वो 3 दिन तक न देख सका और न खाया और न पिया। दमिश्क में हनन्या नामक एक चेला था, उससे प्रभु ने दर्शन में कहा, हे हनन्या। उसने कहा, हाँ प्रभु। तो प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है और यहूदा के घर में शाऊल नामक एक तरसुस वासी को पूछ, क्योंकि देख वो प्रार्थना कर रहा है और उसने हनन्या नामक एक पुरुष को भीतर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा है ताकि फिर से दृष्टि पाए। हनन्या ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैंने इस मनुष्य के विषय में बहुतों से सुना है कि इसने यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों के साथ बड़ी बड़ी बुराइयां की है और यहाँ भी इसको प्रधान याजकों की ओर से अधिकार मिला है कि जो लोग तेरा नाम लेते हैं उन सबको बांध ले। परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजा और इसराइलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। तब हनन्या उठकर उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई शाऊल, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिससे तू आया तुझे दिखाई दिया था उसने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। तुरंत उसकी आंखों से छिलके से गिरे और वह देखने लगा और उठकर बापतिस्मा लिया, फिर भोजन करके बल पाया। वह कई दिन उन चेलों के साथ रहा जो दमिश्क में थे और वह तुरंत आराधनालयों में यीशु का प्रचार करने लगा कि वह परमेश्वर का पुत्र है। सब सुनने वाले चकित होकर कहने लगे, क्या यह वही व्यक्ति नहीं है जो यरूशलेम में उन्हें जो इस नाम को लेते थे नष्ट करता था और यहाँ भी इसलिए आया था कि उन्हें बांध कर प्रधान याजकों के पास ले जाए। हम प्रार्थना करेंगे। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, पिता आप हमसे बात कीजिए, पवित्र आत्मा आप हमें सिखाइए, आप हमारे एक अच्छे टीचर हो, आप हमारे एक अच्छे शिक्षक हो, आप हमें इसमें से गुप्त बातों को आप हमें सिखाइए, आप हमारी अगुवाई कीजिए, यीशु के नाम से मांगते हो पिता, आमीन। तो हम यहाँ पे आज देखते हैं, इस अध्याय में, इस पोर्शन में हम देखते हैं शाऊल का हृदय परिवर्तन के बारे में। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि शाऊल जो हम पाउल उसके नाम से भी उनको जानते हैं, तो पहले वो शाऊल थे और वो क्या करते थे इसके आगे भी आपने सुना होगा। प्रेरितों 8 में भी 3 वचन में आपने देखा होगा, शाऊल कलीसिया को उजाड़ रहा था और घर घर घुसकर पुरुषों और स्त्रियों को घसीट घसीट कर बंदीगृह में डालता था। तो ये क्या करता था कि जो भी यीशु मसीह के पीछे जाते थे, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते थे, उनको क्या करता था शाऊल, उनको पकड़कर उनको सताता था, वो कलीसिया को सताता था। तो आज हम वही देखते हैं कि उनका जीवन कैसे परिवर्तन हो गया, उनका हृदय कैसे परिवर्तन हो गया करके हम इस अध्याय में, इस पोर्शन में हम देख सकते हैं। तो ये कहानी आप सबको ये पता होगा कि शाऊल कैसे दमिश्क की ओर वो जा रहे होते, उस रास्ते में थे, प्रधान याजक से वो चिट्ठी को लेकर आए थे ताकि दमिश्क में भी जो लोग कलीसिया है, जो मसीह लोग हैं, उनको वो पकड़कर सताए और उनको बांधकर यरूशलेम को वो लेकर आए, इसके लिए वो वहां पे जा रहे होते हैं। तो शाऊल का मकसद तो यही था कि वो वहां पे लोगों को सताने के लिए और उनको वो पकड़कर
यरूशलेम वापस जाने के लिए, वो वहां पे दमिश्क की ओर, उनका मकसद वही था, वो उसके लिए जा रहे थे। तो उसमें हम देख सकते हैं कि चौथे वचन में हम देख सकते, परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे शाउल तू मुझे क्यों सताता है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि वो स्वर्ग से उनकी ओर एक ज्योति वहां पे चमक रहा है और शाउल वो नीचे गिर पड़ा और वहां से उनको आवाज सुनाई दे रही है कि हे शाउल तू मुझे क्यों सताता है करके। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यीशु मसीह शाउल से बात कर रहे हैं, वो ज्योति स्वर्ग से चमक रही है और यीशु मसीह उनसे पूछ रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं कि हे शाउल तू मुझे क्यों सताता है, ऐसा करके यीशु मसीह पूछ रहे हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि शाउल ने दो सवाल पूछे करके, पहला तो वो पूछ रहा है कि तू कौन है, ऐसा करके वो पूछ रहा है, आप कौन हो मुझे जानना है, कौन हो मैं, किसको सता रहा हूँ, ऐसे करके वो जानना चाहता है, यीशु मसीह को वो पूछ रहा है कि तू कौन है। और एक और सवाल पूछता है, लेकिन वो हिंदी ट्रांसलेशन में लिखा नहीं है, बट इंग्लिश में लिखा हुआ है, छठे वचन में इंग्लिश में लिखा हुआ है, सो ही ट्रम्बलिंग एंड अस्टोनिश्ड सेड लॉर्ड व्हाट डू यू वांट मी टू डू। तो वो क्या पूछ रहा है कि परमेश्वर अब मैं क्या करूं। देख सकते हैं कि शाउल ये दोनों सवाल को पूछ रहा है और ये दोनों सवाल काफी महत्वपूर्ण है। पहला तो कि परमेश्वर को जानना, सिर्फ उनको ऐसे नॉलेज रूप में जानना नहीं, उनको एक व्यक्तिगत रूप में उनको जानना है, और वो परमेश्वर क्या चाहते हैं कि मैं क्या करूं, ये भी हम पूछते नहीं है क्योंकि हमको डर लगता है कि अरे अगर मैं पूरा पूरा समर्पण कर दूंगा तो परमेश्वर जो जो मैं चीज नहीं चाहता हूं वही मुझसे करवा देंगे क्या। लेकिन हम ये चीज हम सब भूल जाते हैं कि परमेश्वर वो प्रेमी है, वो हमसे बहुत प्रेम करते हैं और वो कभी भी हमारे इच्छा को ऐसे तोड़ मरोड़ के वो कभी भी कोई चीज नहीं करते हैं। वो शैतानी ऐसे हमारे इच्छा को वो तोड़ने के लिए आता है, ऐसे 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 कर दो, ऐसे करके कर दो, लेकिन परमेश्वर वो बहुत ही एक नम्र, वो एक जेंटल गॉड है, वो से बहुत ही ज्यादा प्रेम करते हैं, लेकिन हम उसको भूल ही जाते हैं। आजकल हम क्या करते हैं, हम एक पेपर के पीस में जो भी हमारी इच्छा है वो सब लिख देते हैं और परमेश्वर को जाकर बोल देते हैं कि परमेश्वर आप इसमें साइन कर दीजिए, ऐसा करके। लेकिन हमें क्या करना, हमें अपना साइन डाल देना है, परमेश्वर आपकी जो इच्छा है उसे मुझे करने के लिए आपकी जो इच्छा उसको मैं करूं, ऐसा करके पूरा पूरा हमें समर्पण कर देना। पौलुस यहाँ पे क्या कर देते हैं, वो वहां पे समर्पण कर देते हैं अपने आप को कि यीशु मसीह जैसे उनसे बात किए कि तू मुझे सताता है, ये सारी चीजें जब यीशु मसीह ने शाउल को बोला तो उन्होंने क्या किया, शाउल ने वहां पे समर्पण कर दिया अपने आप को, वो वहां पे परमेश्वर से लड़ते नहीं रहे कि नहीं ये ऐसा है, उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने अपने आप को वहां पे समर्पण कर दिए कि अब मैं क्या करूं परमेश्वर, अब मैं क्या करूं, ऐसे करके वो वहां पे पूछ रहे हैं। तो यीशु मसीह उनको क्या बोलते हैं, उनको बताते हैं कि ऐसे तुम अभी नगर में जाओ, उसके आगे तुम्हें क्या करना है वो बताया जाएगा, ऐसे करके। तो आजकल हम क्या करते हैं, हम परमेश्वर से प्लान मांगते हैं कि मुझे आगे क्या करना है, मुझे कैसे क्या करना है, मुझे फ्यूचर में मुझे इसके बाद क्या करना है करके। तब हम यहाँ पे इसके द्वारा हम देख सकते हैं कि परमेश्वर कैसे हमको एक एक स्टेप, एक एक चीज वो हमको आगे आगे वो लेकर जाते रहते हैं। हम परमेश्वर का वो एक गुण है, हम अब्राहम के इसमें भी हम देख सकते हैं, वो परमेश्वर अब्राहम को पूरा हर चीज नहीं बता देते हैं कि हाँ तुम्हें ये होगा, तुम्हें ये करना होगा, ऐसे से होगा, ऐसे वो नहीं बताते हैं, वो पहले बस बोलते हैं कि तुम यहां से निकलो, जिस देश को मैं तुम्हें बताऊंगा तुम वहां पे जाना करके। तो यहाँ पे शाउल से यीशु मसीह बोल रहे हैं कि उठकर तुम अभी नगर को जाओ, उसके आगे तुम्हें क्या करना है वो बताया जाएगा। तो शाउल क्या करते हैं, वो वहां से उठकर नगर की ओर उनको
लोग लेकर जा रहे हैं, क्योंकि जो ज्योति के वजह से उनकी आंख, वो ज्योति जो उन्होंने देखा तो उसमें उनके आंख अंधा हो गया था, वो देख नहीं पा रहे थे। तो हम देख सकते हैं कि शाउल बिल्कुल ही एक एक अधिकार के साथ वो वहां पे आए हुए थे, कि पूरे दमिश्क में वो कैसे एंट्री होना चाहते थे, एक अधिकार के साथ ऐसे वहां पे प्रधान याजक से उनको अधिकार दिया गया था, उनके हाथ में वो चिट्ठी था, तो वो बिल्कुल एक पावरफुल एंट्री होना चाहते थे, लेकिन उनका प्लान यही था। लेकिन हम देख सकते हैं कि परमेश्वर का प्लान वहां पे शाउल के लिए अलग था, तो वो वहां पे यीशु मसीह के साथ उनका एक विजिटेशन हुआ, और वो जो उन्होंने अपने मन में जो सोचा था वो उससे अलग ही बिल्कुल एक कमजोर अवस्था में उस दमिश्क नगर में वो वहां पे अंदर जाते हुए हम देख सकते हैं। तो उसके आगे क्या होता है, वो हनन्या को भी, परमेश्वर हनन्या से बात करते हैं कि तुम्हें ऐसे शाउल के उधर जाना है, तुम्हें उस सीधी करके जो गली कहलाते हैं वहां पे शाउल करके वो है, उसके पास तुम्हें जाकर उसको चंगा करना है ऐसे करके। तब शाउल तो काफी फेमस था क्योंकि वो सब लोगों को सताता था, और सारे मसीह लोग में वो फेमस था कि वो हमको सताने वाला है। शाउल का क्या नाम था कि वो शाउल सताने वाला है। ये सारी चीजें हनन्याह भी ऐसे बोलते हैं कि वो तो लोगों को सताता है, परमेश्वर आप उनको जानते हो क्या प्रभु, वो बहुत ही उसने बड़ी बड़ी बुराइयां की है पवित्र लोगों के साथ, ऐसे करके वो बोलता है। तब परमेश्वर क्या बोलते हैं हनन्याह को कि तू जा, क्योंकि मैंने उसको, वो मेरा चुना हुआ पात्र है करके, वो शाउल के बारे में परमेश्वर के मुंह से वो निकल रहा है कि वो मेरा चुना हुआ पात्र है, वो मेरे नाम के निमित्त वो काफी दुखों को और परेशानियों को वो उठाएगा, वो अन्य जातियों और राजा और इसराइलियों के सामने भी मेरे नाम को प्रकट करेगा, और वो मेरा चुना हुआ पात्र है, ऐसा करके शाउल के बारे में परमेश्वर बोलते हुए हम यहाँ पे सुन रहे हैं। तो परमेश्वर ने शाउल को चुन लिया। तो हम आगे देखते हैं कि हनन्याह क्या करते हैं, वो वहां पे जाते हैं और वो कितने डर डर कर गए होंगे बिल्कुल ही, लेकिन हनन्याह भी क्या कर रहे हैं, वो भी परमेश्वर के जो उन्होंने बोला, परमेश्वर ने उसको उन्होंने माना, एक आज्ञाकारी वो बनकर वो वहां पे परमेश्वर के आज्ञा को वो मानकर वहां पर वो गए, शाउल के घर पर गए। तो वहां पे वो गए और क्या किया, उन्होंने उस शाउल के ऊपर हाथ रखा और वो चंगा हो गया, शाउल के आंखों से वो छिलके जैसे गिरे और वो क्या हुआ, शाउल फिर देखने लगा। और वो क्या करता है, बलवल अच्छे से भोजन कर कर वो क्या करता है, लोगों को जाकर हम इसके आगे देख सकते हैं कि शाउल क्या करते हैं, जो दमिश्क में जो चेलो चेले थे उनके साथ वो क्या करने लगा, उनके साथ वो रहने लगा और आराधनालय में जाकर वो प्रचार करने लगा कि यीशु ही प्रभु है, वो परमेश्वर के पुत्र है करके वो प्रचार करने लगा। तो हम देख सकते हैं कि शाउल एक जीवित गवाही है कि परमेश्वर परमेश्वर हमारे अच्छे कामों को देखकर हमको चुनते हैं, हमने कुछ अच्छा किया होता इसके लिए वो हमको चुनते हैं नहीं। शाउल ने कौन सा अच्छा काम किया था, शाउल क्या कर रहा था, वो लोगों को सता रहा था, तो ये अच्छी बात है क्या, यीशु मसीह को उन्होंने सताया, क्योंकि जो भी हम मसीह लोगों के साथ करते हैं वो क्या होता है, जो वो मसीह को सताता है, जैसे हम पहले वचन में वो बोलते हैं शाउल से कि तू मुझे क्यों सताता है, शाउल ने यीशु मसीह को नहीं सताया, लेकिन उसने क्या किया, उनके लोगों को जो यीशु मसीह के पीछे थे, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते थे, जो मसीह लोग थे, उनको सताया। तो उसका मतलब क्या है, यीशु मसीह हमारे, हम सब एक अंग है शरीर के, और हमारे सिर कौन है, यीशु मसीह। तो शरीर में कोई भी एक अंग में चोट लगेगा तो वो सिर को पता नहीं चलेगा क्या, मेन तो सिर ही है ना, उसको ही पता चलेगा। तो के लिए वो बोल रहे हैं शाउल से कि तू मुझे क्यों सता रहा है। तो ऐसे जिसने सताया मसीह लोगों को, परमेश्वर ने उसको क्या किया, चुन लिया, और वो क्या करने लगा, हम इसमें लास्ट इस पोर्शन में आखिरी में देखते हैं कि दमिश्क में जहां पर वो लोगों को सताने के लिए उनको पकड़कर यरूशलेम में वापस
उनको पकड़ कर लेकर जाने के लिए जो शाउल आया हुआ था, तो वहां पे क्या हुआ, शाउल को दमिश्क के रास्ते पे कौन मिल गए, यीशु मसीह उनको वहां पर मिल गए। तो क्या हो गया, शाउल का जीवन पूरा बदल गया, परिवर्तन हो गया। क्या हुआ, वहां पे उन्होंने नया जीवन पा लिया। जब हनन्याह उनके ऊपर हाथ रखे, उन्होंने वो चंगे हुए, और उन्होंने क्या किया उसके बाद, वो बापतिस्मा ले लिया, उन्होंने वहां पे नया जीवन पा लिया। और क्या करने लगे, वो परमेश्वर का प्रचार करने लगे कि यीशु मसीह वो परमेश्वर के पुत्र है, मतलब यीशु मसीह ही वो परमेश्वर है, यीशु ही प्रभु है, ऐसा करके वो प्रचार करने लगे। तो उसके आगे लोग वहां पे क्या हो रहे हैं, चकित हो रहे हैं कि ये तो सताने वाला, ये क्या प्रचार कर रहा है। तो शाउल का जीवन क्या हो गया, बदल गया। कब बदला, जब यीशु मसीह उससे उस दमिश्क के रास्ते में जब मिले, तब उसका जीवन क्या हुआ, बदल गया। तो परमेश्वर हमारे जीवन को वो बदल सकते हैं। तो आज हमें क्या करना है, जैसे हम देख सकते हैं शाउल ने क्या किया, उन्होंने वो दो सवाल पूछे कि आप कौन हो और अब मैं क्या करूं। तो आज हमें क्या करना है, यीशु मसीह वो आज भी आपके पास है, वो आपका दरवाजा वो खटखटा रहे हैं, वो तैयार है। आप ऐसे सोचते होंगे कि अरे मैंने तो इतना गलत किया है, मेरा जीवन इतना खराब है, मैं कैसे। तो हम देख सकते हैं, शाउल को देख सकते हैं, वो सताने वाले थे, लेकिन वो क्या बन गए, वो लोगों को एक एक प्रेमी पिता बन गए। क्योंकि वो एक जगह पे बोलते हैं कि मैं एक पिता सा दिल रखता हूँ, मैं तुमको अपने एक बच्चे के रूप में मैं तुमसे बोल रहा हूँ, ऐसे करके वो एक जगह पे बोलते हैं। तो जो लोगों को मार रहे थे, वो क्या बन गए, एक पिता के रूप में वो प्रेम करने वाले बन गए। तो यीशु मसीह उनके जीवन को ऐसे बदल सकते हैं। और भी काफी सारे लोग हैं जिनके जीवन को परमेश्वर ने बदला है। तो आप आज सोच रहे होंगे कि अरे मेरा जीवन तो इतना खराब है, मैंने तो इतने पाप किए, मैं कैसे, मेरे जीवन को परमेश्वर कैसे ही बदल सकते हैं, मेरा जीवन बदल ही नहीं सकता, ऐसे करके आप बिल्कुल निराशा में अंधेरे में बैठे होंगे। लेकिन यीशु मसीह वो जगत की ज्योति है, वो आपके पास, वो आपको चाहते हैं, वो आपको प्रेम से बुलाते हैं। वो शाउल के जीवन को बदल सकते हैं तो वो आपके जीवन को बदल सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ संभव है। लेकिन हमें ही क्या करना है, हमारे हाथ में परमेश्वर ने उस इच्छा को दिया है, हमें परमेश्वर से पूछना है, परमेश्वर मैं क्या करूं, आप क्या चाहते हो कि मैं क्या करूं, हमको उनसे पूछना है, तो वो हमको मदद करेंगे, तो वो आपको बदल सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर प्रेमी है, वो आपसे बहुत प्रेम करते हैं। शाउल जो दमिश्क में लोगों को मारने के लिए गया था, जिस यीशु का पीछा करते हैं लोग, उसको वो उन लोगों को मारने गया था, लेकिन वही शाउल दमिश्क में क्या हुआ, वो यीशु मसीह का वहां पे प्रचार कर रहा है कि यीशु ही प्रभु है, वो परमेश्वर के पुत्र है, वही प्रभु है, उनके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। परमेश्वर कितने सामर्थ्य है, वो बदल सकते हैं, तो वो आज आपके जीवन को भी बदल सकते हैं, वो आपसे बहुत प्रेम करते हैं। तो आप आज परमेश्वर को जान लीजिए कि वो प्रेमी है, वो आपसे बहुत प्रेम करते हैं, वो माफ करने वाले पिता है, वो आपको माफ करने के लिए तैयार है। तो आज हमारे लिए खुशी का दिन है, हमारे लिए आज उद्धार का दिन है। जैसे शाउल उस दमिश्क में, वहां पे उसका क्या हुआ, वो नया जीवन वहां पे शाउल ने पा लिया, अनंत जीवन, जीवन के पुस्तक में उसका नाम वहां पे लिखा गया, क्योंकि उसने यीशु मसीह को पा लिया, उसने अनंत जीवन पा लिया, उसने नया जीवन पा लिया, वो नई सृष्टि वहां पे बन गया जब बापतिस्मा लिया। तब शाउल ने क्या किया, उसने अपने दिल के उस दरवाजे को, उसने यीशु मसीह के लिए उस दिन उस ज्योति को उसने अंदर आने दिया। आप कौन हो, मुझे आपके बारे में जानना है, मैं क्या करूं, ऐसा करके उसने वो पूछा।
अपने उस दिल के दरवाजे को, वो जो ज्योति चमके उसके ऊपर, उसने क्या क्या अपने दिल में भी उसको खोल कर दिया। तो आज आप क्या कीजिए, आप समर्पण कीजिए अपने आप को, क्योंकि परमेश्वर तैयार है, वो आपको बदल सकते हैं, वो आपको आज बुला रहे हैं, वो बड़े प्यार से आपको बुला रहे हैं। वो अगर हम अपने आप को समर्पण करेंगे तो वैसे तोड़कर हमको फेंकने वाले परमेश्वर नहीं है। जब हम अपने आप को समर्पण करते हैं तो वह हमारे जीवन को क्या करते हैं, एक सुंदर तरीके से वो हमको बनाते हैं। जैसे हम शाउल को देखते हैं, जब उसने अपने आप को पूछा वहां पे, वो बोलता है अब मैं क्या करूं, तब जब वो समर्पण किया तब परमेश्वर ने क्या किया, उसको उसके जीवन को क्या किया, बदल दिया। परमेश्वर ने उसके जीवन को पूरा बदल दिया, सताने वाला यीशु मसीह का प्रचार करने वाला वो बन गया। कितनी आश्चर्य की बात है। तो परमेश्वर वो जीवनों को बदल सकते हैं, कितना भी खराब क्यों ना हो, उसको परमेश्वर सुंदर तरीके से वो बना सकते हैं। वो एक कोई भी खराब चीज क्यों ना हो, आपका जीवन एक पेपर जैसे कितना भी फटा क्यों ना हो, लेकिन यीशु मसीह परमेश्वर उसको क्या कर सकते हैं, उसको वो साफ कर सकते हैं, उसको वो सुंदर बना सकते हैं। तो आज आप अपने आप को क्या कीजिए, समर्पण कीजिए। तो हम अपने आप को आज समर्पण करेंगे, क्योंकि परमेश्वर प्रेमी है, वो आपके जीवन को बदल सकते हैं, वो आपसे बहुत प्रेम करते हैं, जो भी टूटा हुआ चीज़ को वो जोड़कर वापस नया बना सकते हैं। जैसे शाउल को उस दिन वहाँ पर नया जीवन मिला, आज आपने नया जीवन नहीं पाया है तो आप आज पा लीजिए। तो आज आप अपने आप को समर्पण कर दीजिए, तो वो आपके जीवन को बहुत ही सुंदर बनाएंगे, क्योंकि आज उद्धार का दिन है। तो हम प्रार्थना करेंगे। है स्वर्गीय पिता परमेश्वर, पिता आप हमसे कितना प्रेम करते हो पिता, आपके प्रेम के लिए धन्यवाद पिता। आपका प्रेम हमारे जीवन को बदलता है, कितना भी खराब परिस्थिति में क्यों ना हो, आप हमारे जीवन को एक सुंदर बनाते हो पिता, आप हमें सजाते हो। हम धूल में, हम कचरे में पड़े थे, लेकिन आपने हमको उठाकर आपने हमें सजाया पिता, आपके प्रेम के लिए धन्यवाद पिता। यीशु मसीह आपके प्रेम को और भी लोग जान ले, आप उनके जीवन को बदलिए पिता, आपके प्रेम के लिए शुक्रिया। यीशु मसीह के नाम से मांगते हो पिता, आमीन।